कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हर पार्टी के घर पे आती है और पार्टी वाले कहते हैं कि हमें स्विच बोर्ड यहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वह स्विच बोर्ड ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन नए इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं होता कैसे करना है। तो आइए मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड का जो फ्रेम है यहाँ पर इसका साइज कर लेना है। फ्रेम का साइज करने के बाद आपको 5 इंचज़ का ब्लेड ग्राइंडर वाला लेके आना है। ओके, तो 5 इंचज़ के ब्लेड के ग्राइंडर के अंदर कनेक्ट करके इस तरह से आपको चलाना है। जितना आपने चिन मार्क किया उस जगह के ऊपर आपको ग्राइंडर चलाना है। ग्राइंडर जब आप चला लेते हो तो आपको एक हैमर मशीन की आवश्यकता होती है, तो हैमर मशीन कुछ इस तरीके से और आराम से चलाइएगा। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दीवार टूट गई, क्योंकि यहाँ पे टूटना ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड लग रहा है और यहाँ पे पाइप भी अभी फिटिंग होगा, तो इसलिए तोड़ना भी सही तरीका हमारे लिए रहा। तो ठीक है, यहाँ पे जब झिर्री वॉल कटिंग हो गई है तो अब यहाँ पे हम स्विच बोर्ड को फिटिंग करना सिखाएंगे। तो स्विच बोर्ड जो है, अब क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर वगैरह सब कुछ फाइनल है, तो आपको दीवार के अंदर के एरिया में रखना है इस स्विच बोर्ड को। तो इस तरीके से आपको नापना है कि क्या हमारा स्विच बोर्ड बाहर तो नहीं है दीवार के, तो इससे आपको पता चल जाएगा स्विच बोर्ड बाहर तो नहीं है। ठीक है, बाहर नहीं है, अंदर है, और जितना अंदर हो वो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप की आवश्यकता होगी। अगर आप छोटी सी झिर्री वॉल है तो आप फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ ले सकते हैं, बट ज़्यादा लॉन्ग है, ज़्यादा दूरी है, तो उसमें आप पीवीसी पाइप का उपयोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कवर्ड लगेगा, तो कवर्ड के पीछे ये होगा, तो कभी कवर्ड हट भी जाता है तो हम वायरिंग को चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी वायरिंग है और कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग है वो हमने पहले से इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, ताकि हमें बाद में कोई वायरिंग की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ फिटिंग करनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे सीमेंट वीमेंट लगा करके कवाड़ वगैरह फुल फिल हो जाएगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पर हम स्विच बोर्ड लगा करके आपको बताएंगे कि आखिर हमने काम किस तरह से किया। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही है, लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से छोटे जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं वो काम कर सकते हैं। डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, नया काम लेते हो तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई, समझ में आए तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।